तो काबा जो है वो अल्लाह तो नहीं है, गैरुल्लाह है। आप बताएं गैरुल्लाह है कि नहीं? अल्लाह तो नहीं है ना, लेकिन गैरुल्लाह का तवाफ करते हैं कि नहीं? वो कहते हैं गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह। वो गैरुल्लाह काबा भी है। तो अगर इतना ही गैरुल्लाह से चिड़ है तो तवाफ करने क्यों जाते हो? आप कहेंगे जनाब हुक्म दिया गया है गैरुल्लाह का तवाफ करो, तो समझ आई कि जहाँ वो हुक्म दे दे वहाँ तवाफ करना पड़ता है, चाहे वो गैरुल्लाह ही हो। भाई काबा तो पत्थर है ना, पत्थर गैरुल्लाह है अल्लाह के अलावा। अल्लाह तो लतीफ़ उन खबीर है, जिस्म से पाक है। हुक्म हो गया तवाफ करो, तवाफ कर रहे हैं, कोई मुशरिक नहीं कहता। जो मुशरिक कहते हैं वो भी फिर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे थे, और सामने क्या है गैरुल्लाह, और तवाफ किसका है? गैरुल्लाह का शुरू है, लगे हुए हैं, रो रहे हैं, और तवाफ गैरुल्लाह का हो रहा है। सुभान अल्लाह, क्या तौहीद है। हम तो भाई बड़े सोच में पड़ गए। इससे तो राबिया बसरी बेहतर रही आपसे, तो आप तसव्वुफ की दुनिया के मुनकर हैं, नहीं अच्छा समझते। मगर आपके मुकाबले में मैं उनकी एक बात तो आपको सुनाता हूं कि उन्होंने एक दिन अपने एक हाथ में पानी उठाया और एक हाथ में आग उठाई। हसन बसरी ने पूछा या किसी और ने कि माई साहबा ये क्या कर रही हैं, और दौड़ने लगी। कहने लगी मैं दो ही झगड़े हैं, या जन्नत या जहन्नम। जन्नत की दुनिया, जन्नत की हवस में लोग इबादत करते हैं, तो मैं इसको जलाऊंगी, और दोजख के डर से इबादत करते हैं, मैं इसका भी सत्यानाश करती हूं, इसको भी बुझाती हूं, ताकि सिर्फ मालिक की रजा के लिए उसके हुक्म के मुताबिक इबादत करें।